हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। भाई आज हम बात करने वाले हैं नेक्सा की बलेनो की। ये भाई डेल्टा वेरिएंट है, बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट है जो बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो आज हम इसके फीचर्स की, कुछ फीचर्स जो इसमें हैं जो कंपनी देती है और क्या इसमें आफ्टर मार्केट काम हुआ है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बार गाड़ी का वॉक अराउंड देख लो। ये मैग्मा कलर है, कुछ ऐसा करके कहते हैं इस कलर को। वह पे स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा आपकी। देख लो पीछे, इसमें ऐसा लुक है, अच्छी लगती है कार, काफ़ी बोल्ड लगती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में भाई आपको देखने को मिल जाएगा मारुति का एक लोगो बीच में बड़ा सा, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। बीच में आपको एक ब्लैक कलर की सी ग्रिल मिल जाएगी मैट, और इस साइड आपको इसकी लाइट्स मिल जाएंगी जिसमें प्रोजेक्टर है, और इसमें वाइट लाइट है। देख लो आप, वाइट लाइट इसमें आती है कंपनी से ही। इंडिकेटर मिल जाएगा, वहीं नीचे आपको इसमें फॉग लैम्प भी मिल जाएगा, ठीक है। इस साइड अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे भी आपको एक ग्रिल मिलती है यहाँ पे, देख लो अच्छी तरह। और वहीं सेम इस साइड भी वही चीज़ है, हाई बीम लो बीम इसमें दोनों में वाइट लाइट है। हाँ, इसके प्रोजेक्टर में येलो लाइट है, कंपनी येलो लाइट देती है प्रोजेक्टर में। और ऐसे कुछ इसके टायर मिल जाते हैं, जिनका टायर साइज बात करें हम 185/65R15 15 इंच के इसमें टायर आ जाते हैं भाई। और साइड से, साइड में आपको एक डोर बीडिंग दिख जाएगी जो क्रोम और ब्लैक कलर के साथ है, ब्लैक कलर और क्रोम है जिसमें। डोर हैंडल्स की बात करो तो ये आपको क्रोम के मिल जाएंगे जो कि, और इस तरफ आप देखोगे इसका टर्न इंडिकेटर जो LED है, जो ORVMs पे ही मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी लुक देता है कार को। कोई भी मारुति ने इस पे फेंडर पे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो वो चीज़ एक अच्छी है। पीछे की तरफ भी आप बात करो तो यहाँ पे ये डोर हैंडल आपका क्रोम का मिल जाएगा। पेट्रोल गाड़ी है तो आपको इस साइड इसका फ्यूल टैंक मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे आपको क्रोम की एक बीडिंग दिख जाएगी जो पूरी लास्ट तक, फ्रंट से लेके लास्ट तक है। ऊपर आपको वाइप, वो रेन से बचने के लिए वाइजर्स मिल जाएंगे, रेन वाइजर, जी आफ्टर मार्केट है। देख लो आप एक बार, चलते हैं गाड़ी के पीछे। गाड़ी के पीछे आ गए भाई, नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे दो रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी इसमें डमी पीस देती है। ये बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ ये रिफ्लेक्टर मिलता है, अभी भाई अंदर बैठा है, आपको इंडिकेटर चला के दिखाएगा। देख लो भाई ऐसा कुछ इसका लुक आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है दूर से देखने पे। अब ब्रेक की लाइट और दिखा दो भाई एक बार। ब्रेक में थोड़ा डार्क हो जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आप अंधेरे में चला रहे हो तो ये पीछे से काफ़ी अच्छी लुक देगा ऐसा। भाई तो गाड़ी का पूरा ओवरऑल लुक मिल जाता है। कंपनी इसमें चार रिवर्स पार्किंग सेंसर देती है, कैमरा नहीं देती। कैमरा इसमें आफ्टर मार्केट लगवाया, अंदर एंड्रॉयड लगवा रखा है इसमें। देख लो एक बार आप पीछे भी गाड़ी, ये क्रोम के बिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस क्रोम के बिना और इस क्रोम के बिना बिल्कुल लुक नहीं आता, और इस मॉडल में क्रोम नहीं आता। यहाँ पे कंपनी कैमरे की जगह देती है पर नीचे लगवाया है, जिन चाचू की गाड़ी है। रियर वाइपर और डिफॉगर आपको दोनों, मतलब बेस मॉडल से एक ऊपर वाले वेरिएंट में मिल जाएगा डेल्टा में। बूट स्पेस की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, इतना कुछ बूट स्पेस है इसमें। देख लो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई कार बूट स्पेस के हिसाब से, तो इस हैचबैक में बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है। इसकी जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट वाली मिल जाती हैं आपको, तो पार्सल ट्रे भी कार में आती है। यहाँ पे आपको इसका मैग्नेटिक बटन मिल जाएगा, ये रहा, फोकस करें, बंद करते हैं। यहाँ पे स्पॉइलर और हाई स्टॉप लैम्प भी आपको मिल जाएगा गाड़ी में। नेक्सा की यहाँ पे आप बैजिंग देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको इसकी पीछे की लाइट्स दिख जाती हैं जिसमें 6-7 पीछे तो ऊपर छोटे छोटे बल्ब हैं, नीचे एक जो आप अपनी हेडलाइट ऑन करोगे उसकी लाइट आ गई, और इंडिकेटर और रिवर्स। तो करते हैं गाड़ी की बैक सीट की बात भाई पहले। हाँ, बाहर एक और चीज़ देख लो, एंटीना भी देख लो आप बाहर, ये कोई शार्क फिन नहीं है, नॉर्मल वाला है जो अच्छा लग रहा है काफ़ी ऐसा। भाई आपको कार का रियर डोर मिल जाएगा, रियर डोर देख लो, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक डोर ओपनर क्रोम के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे पावर
चारों पावर विंडो मिलती हैं भाई। ऑटो वाली सिर्फ ऑटोमेटिक वाली ड्राइवर साइड को मिलती है बस। यहाँ पे आपको इसके स्पीकर मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ बॉटल होल्डर वाला स्पेस है यहाँ पे। ऐसे कुछ भाई इसका इंटीरियर है। सीट कवर अभी इसमें आती नहीं है, फैब्रिक सीट्स आती है। 70 मैट्स इसमें आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, देख लो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई 70 मैट्स जो आप देख रहे हो। स्पेस स्पेशियस है भाई गाड़ी, काफ़ी स्पेशियस है। सीट अगर आप पूरी पीछे भी कर दोगे तो भी आपको लगेगा नहीं कि बंदा भिंच रहा है। चार हेडरेस्ट आते हैं कार में, बीच में कोई आर्मरेस्ट वगैरह पीछे नहीं आता ना आगे आता। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा 12 वोल्ट वाला। इस साइड भी बात करें तो सेम ही है, ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएंगे, बीच में लाइट यहाँ पे भी मिल जाएगी, आगे मिल जाएगी जो कि येलो लाइट है, कोई वाइट लाइट का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया या फिर LED वगैरह का। ऐसा यहाँ से कुछ फ्रंट कंपार्टमेंट लगता है। ये एक प्रीमियम हैचबैक है तो इसमें इंटीरियर आगे से काफ़ी अच्छा, पीछे तक भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट की अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ पे इसका रहता है, इसको अगर हम उठाएंगे तो ये आ गई आगे, देख लो ऐसे यहीं से आप डिग्गी में से अगर कुछ सामान वामान निकालना हो तो निकाल सकते हो, इसको कर देंगे वापस से पीछे। सेम उधर का भी होता है, उधर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। चलते हैं भाई गाड़ी की फ्रंट सीट पे। ऐसा कुछ गाड़ी का फ्रंट डोर मिल जाएगा जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई भी आपको लाइट वगैरह नहीं दी गई। डोर की बात करें तो डोर पे आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे। लेफ्ट राइट फोल्डेबल भी हैं, यहाँ से आप इन्हें फोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप रियर सीट्स लॉक कर सकते हो जो विंडो ना खुले। यहाँ से लॉक अनलॉक ऑटो आप चारों पावर विंडो। यहाँ पे कुछ बॉटल स्पेस मिल जाएगा आपको। इस साइड देखो तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, इधर से देखने पे काफ़ी अच्छी लगती है भाई, ये बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में, देख लो भाई बलेनो डेल्टा का फ्रंट से इंटीरियर कैसा है आगे का। ये आफ्टर मार्केट आप स्टीरियो देख रहे हो एंड्रॉयड वाला, इसमें भी अच्छा खासा आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। ऐसे कुछ भाई इसकी MID मिल जाएगी बीच में, साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में आपको मिल जाएगा इसका स्पीडोमीटर जिसमें 220 तक मार्किंग है, और पेट्रोल मतलब बताए कितना है वो भी आपको राइट साइड में मिलेगा स्पीडोमीटर के नीचे। इस साइड आपको मिल जाएगा कि गाड़ी कूल है हीट है वो सब पता चल जाएगा। बीच में आपको MID मिलती है जिसके कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पे नहीं मिलते, वहीं पे मिलते हैं। एक बार दिखाएं इसमें क्या क्या मिलता है आपको, तो क्लॉक, डोर से रिलेटेड सेटिंग, लाइट वगैरह की सेटिंग कर सकते हो, सिक्योरिटी चेक कर सकते हो डिफ़ॉल्ट या फिर आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी है एंड मतलब बैक करना है। कंपनी इसमें सही सेटिंग करके देती है, हमें ये छेड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो कंपनी जो करती है वो सोच समझ के ही करती है। बीच में आपको अगर हैंड ब्रेक लगाए तो उसकी वो दिख जाएगी। यहाँ पे ट्रिप वगैरह आप रीसेट कर सकते हो, इसको करते हैं बैक, ये 12 AM वापस से अपनी MID नॉर्मल हो चुकी है। इस साइड देखोगे तो आपको मिलेंगे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल जिसमें वाइट लाइट आती है, मैंने आपको बता दी। ये आपकी पार्किंग लाइट्स ऑन हो गई, DRL जिन्हें कहते हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं दिन में जली हुई, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ये हो गई अपनी लो बीम, ये हाई बीम। MID में भी थोड़ा बहुत मतलब इल्यूजन सा डाउन हो जाता है, देखो एक बार ये देखो, इसकी लाइट वगैरह हम तेज कर सकते हैं यहाँ से, इसको अगर घुमाए रखेंगे तो ये पूरी तेज हो गई। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वाइपर के कंट्रोल, रियर वाला भी आप यहीं से कर सकते हो, ऊपर करोगे तो एक बार होके अपना बैक चला जाएगा वो वापस से। अगर आप इसमें सिर्फ पानी भी चलाओगे तो भी अपने आप वाइपर ऑन हो जाएगा, देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे वाइपर के भी वो मिल जाते हैं, लो हाई ये सब आप कर सकते हो इसमें। स्टीयरिंग पे आपको ज़्यादा कुछ कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल वगैरह तो नहीं मिलते, वो इसके टॉप वेरिएंट में जीटा और अल्फा में आते हैं बस। इस साइड आपको म्यूट का मिल जाएगा, मोड्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन साउंड वगैरह का मिल जाएगा और ट्रैक चेंज करने का मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको ब्लूटूथ और कॉल कट और कॉल उठाने का मिल जाएगा।
इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो नीचे फॉग लाइट है उनका वो मिल जाएगा बटन, जिससे आप ऑन कर सकते हो, ये ऑन हो गई ऑफ हो गई। यहाँ से आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है कुछ रख सकते हो। यहाँ से आप बोनट खोल सकते हो। गाड़ी के 7D मैट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। एक बार देखो देखो कितना अच्छा लुक दे रहे हैं। सीट्स इसमें फैब्रिक आती हैं, कोई भी ऊपर नीचे हाइट लेवल वाली सीट इसमें नहीं है, वो इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आती है सिर्फ। बीच की पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा एंड्रॉयड स्टीरियो जो आफ्टर मार्केट है, मैंने आपको बता दिया पहले। एसी वेंट्स इसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो लुक में काफ़ी अच्छे हैं, मैंने आपको बताया था ये प्रीमियम हैचबैक है। देख लो ऐसे कुछ इसके एसी के वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप बात करो तो यहाँ पे हजार्ड लाइट्स, ये सिक्योरिटी सिस्टम चेक की लाइट है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी फैन स्पीड हाई, बहुत ज़्यादा फैन स्पीड हो जाती है तो उससे आवाज़ आना बंद हो जाती है, इसको लो कर लेते हैं। ये हो गई लो। जो आपका एसी है वो आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, ऑटो पे आप उसको कर सकते हो सेट, ये रहा ऑटो का ऑप्शन यहाँ पे, ऑटोमेटिक एसी समझ लो इसे फिर, और मैन्युअली भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे चार्जर है, सॉकेट USB वगैरह ऑक्स का सब कुछ मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने का, जो अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं दो। इस साइड अगर हम थोड़ा पीछे आए तो यहाँ पे इसका है गियर, जिसमें आते हैं 5 गियर एक रिवर्स। तो गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस तो हम आपको दिखाई देंगे अपनी वीडियो में। ऐसा कुछ गियर बॉक्स मिल जाता है, गियर का नॉब मिल जाता है सॉरी, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। हैंड ब्रेक की बात करें तो वो भी बहुत प्रीमियम सा है, आगे क्रोम की वो है। तो ये एक नॉर्मल सा हैंड ब्रेक है, साइड में हटाने वाला नहीं है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता, देख लो वैनिटी मिरर नहीं है। इस साइड बात करें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है पर कोई लाइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराई गई आपको। यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो, 1 टच है, डोर पे भी ये ऑन हो जाती हैं ऑफ हो जाती हैं, डोर वाली ये पीछे है। तो अगर हम मैं आपको इसका दिखाऊं कि जो 1 टच है वो कैसे काम करता है तो देख लो एक बार, ये देखो अपने आप नीचे आया ऐसे। एक बार आपको इसे ऊपर करना है तो ये अपने आप ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है भाई। स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है इसका, अच्छा है काफ़ी, मतलब मारुति अपने पार्ट्स शेयर तो करती है। ऐसा स्टीयरिंग आपको पुरानी वाली स्विफ्ट में मिल जाता, डिज़ायर में भी, ब्रीज़ा में भी, सियाज में भी, सब में ये आता है। और जो इसका स्टीयरिंग है वो बस टिल्ट है, कोई टेलीस्कोपिक नहीं है, ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हो, अंदर बाहर ये नहीं आता। तो एक बार टैकोमीटर देखोगे गाड़ी का तो इसमें आपको 8000 तक मार्किंग मिल जाती है। पेट्रोल इंजन है तो थोड़ा रेव करके देखें तो रेव करके 3000 तक इसमें पहुंच जाती है आराम से एक सिंगल टच में, और भी चली जाएगी, ये गाड़ी अच्छी है। बस मारुति जहाँ मार खा जाती है वो है इनकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी कार की काफ़ी हल्की फील हो जाएगी आपको, डोर वगैरह हम बंद करेंगे तो उनकी आवाज़ सुनो, इतनी भी कमज़ोर नहीं है गाड़ी, अच्छी है चलाने वलाने में काफ़ी मज़ा आता है इसको। सीट आगे करें थोड़ी तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का व्यू मिल जाता है, थोड़ा क्लीन करें, बाहर बारिश हो रही है हल्की सी तो ऐसा दिख जाता है। ये इसका रियर व्यू मिरर है, साइड व्यू मिरर ये रहे, यहाँ से अगर मैं इनको एडजस्ट करके दिखाऊं तो ये हो गए क्लोज, उधर का भी देख लो ये ऑन हो गए। नीचे के जो पेडल्स की बात करें तो इनका गैप आपको ठीक ठाक मिल जाता है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। ये जो आप वायरिंग देख रहे हो आफ्टर मार्केट, इसमें लाइट लगी है उसकी है, तो ये कोई ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो इसमें 3 ही पेडल आएंगे। डेड पेडल की बात करें तो डेड पेडल इसमें बिल्कुल कोने में है, इधर है डेड पेडल, ऐसा नहीं है नहीं है। तो भाई फीचर वाइज वैल्यू फॉर मनी कार है ये, जो आप बलेनो डेल्टा देख रहे हो। इसके एक बार बोनट की बात और कर लें हम, बोनट खोल के दिखाऊं इसका। तो गाड़ी अभी स्टार्ट है, देखते हैं कितनी आवाज़ क्या आवाज़ करती है ये, देख लो भाई जरा सी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल रिफाइंड इंजन है बलेनो डेल्टा का, पेट्रोल का। तो ऐसा कुछ भाई आपको इसका इंजन मिल जाता है, ये कितने CC का है, क्या है, पावर वगैरह निकालता है, वो सब आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, देख लो एक बार।
तो वाइब्रेशन यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, अंदर तो बिल्कुल आती नहीं है। यहाँ पे एक ये डैम्पिंग कर रखी है बलेनो की, तो काफ़ी अच्छी है। फिनिशिंग वगैरह की बात करो तो वो आप देख लो कितनी फिनिशिंग है, इसी चीज़ में रह जाती है बलेनो मारुति थोड़ी सी बस, बाकी तो सब अच्छा ही है इस कार में। इसकी जो टक्कर की कार है टाटा एल्ट्रोज हो गई, टाटा एल्ट्रोज हो गई, स्विफ्ट वगैरह हो गई, सेम सेगमेंट है इनका, तो काफ़ी अच्छी है ये कार, सारी अच्छी हैं, कोई कमी नहीं है, देख लो ऐसी। तो करते हैं इसका बोनट बंद, चलते हैं गाड़ी के अंदर। इसकी जो वाइट DRL अगर मैं वो आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम वगैरह करके दिखाऊं तो ज़्यादा कम तो अभी हो नहीं रही है, देख लो एक बार। अच्छी लगती है, मतलब दिन में आप इन्हें जला के चल सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक देती है। थोड़ा पीछे से दिखाएं तो देख लो, और एक बार इसकी हेडलाइट और ऑन करके दिखाऊं। हेडलाइट हो गई है भाई कार की ऑन, तो देख लो इसमें कितनी मस्त लग रही है दिखने में। थोड़ी पास से दिखाएं, देख लो बहुत बहुत अच्छा थ्रो है भाई इन लाइट्स का, बहुत सही थ्रो मिल जाता है आपको। इस साइड की भी देख लो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बलेनो डेल्टा पेट्रोल की एक छोटी सी ड्राइव। तो ये देखो हम हो गए शुरू, सेम चीज़ इसमें भी है, मतलब कंफर्टेबल कार है, पिकअप है गाड़ी में, देख लो पीछे का व्यू अच्छा खासा दिख जाता है आपको इसमें। अभी शीशे पे थोड़ी ओसी हो गई है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो साइड मिरर्स भी इसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं जो पीछे का बहुत तगड़ा सा व्यू देते हैं, देख लो इसमें आप। और MID में AC ऑन है फिर भी MID अच्छी खासी शो कर रही है कि गाड़ी में एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट गियर पे हम चल रहे हैं। तो ऐसे भी देख लो अच्छी लग रही है काफ़ी। लाइट इसमें डिम हो गई है क्योंकि हमने अभी इसकी लाइट पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है, और आगे आप स्टीरियो में भी देख सकते हो एक कार बनी आ रही है जिसकी लाइट इसमें ऑन दिख रही है। तो हल्का सा कार को एक्सेलेट करके देखते हैं, अभी रोड तो ये नहीं है वैसे, रोड क्या है पार्क सही है एक, रोड का भी हम दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सेलेट करें तो पंजा दबाते ही भाई गाड़ी जाती है, पंजा दबाते ही देखो फर्स्ट गियर पे ही है अभी। थोड़ा सा अगर हम फिर से आपको एक्सेलेट करके दिखाएं इसका तो ये देखो एकदम से पिकअप लेती है, मतलब पहले गियर से ही आपको पावर मिल जाएगी इसमें। ये नहीं है कि गाड़ी डिले कर रही है, थोड़ा सा भी एक सेकंड का भी डिले नहीं है भाई, क्योंकि हल्की कार है पिकअप इंस्टेंटली लेती है बिल्कुल। तो भाई यही था और क्या बताने लायक नहीं है भाई, वैल्यू फॉर मनी कार है। बेस मॉडल से एक ऊपर का मॉडल ले लो तो आपको ज़्यादा कुछ बाहर से कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्टीरियो वगैरह भी नहीं बदलवाओगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा इसमें। देखो अब इसको सेकंड गियर पे एक्सेलरेट करते हैं हल्का सा, तो सेकंड गियर पे भी पावर है कार में। तो ये यहीं करते हैं भाई अपनी वीडियो को एंड।